हाय फ्रेंड्स, मैं हूं तौकीर आलम। फ्रेंड्स, कुछ रोज पहले मैंने एक वीडियो बनाया जहां मैंने बताया कि हम गुजरे हुए वक्त की उन ख्वाहिश या आरजू को कैसे बोलें जो पूरी नहीं हो सकी। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उसे शादी करूं, लेकिन मेरी शादी उससे नहीं हुई। तो कमेंट बॉक्स में कुछ लोगों ने कहा कि इस तरह की ख्वाहिश अगर प्रेजेंट टाइम में बोलनी हो तो कैसे बोले, यानी अगर प्रेजेंट टाइम में मुझे कहना हो कि मेरे पास कोई ख्वाहिश है, कोई आरजू है, कोई तमन्ना है, कोई चाहत है जो पूरा नहीं हो रही है या जो अधूरी है, कैसे बोले। जैसे मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक सिंगर बनूं, तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस से ये मालूम हुआ कि एक सिंगर बनना मेरी ख्वाहिश है, मेरी आरजू है, मेरी तमन्ना है, लेकिन मैं एक सिंगर नहीं हूँ। तो आइए फ्रेंड्स देखें कि इस तरह के सेंटेंसेस जहाँ आप कहते हैं कि मेरे पास कोई तमन्ना है, कोई चाहत है, कोई आरजू है, कोई ख्वाहिश है जो अधूरी है, जो पूरा नहीं हुई है। फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप आई विश आई वर का यूज करेंगे। जैसे एक हीरो बनना मेरी ख्वाहिश है, तो आप कहेंगे आई विश आई वर अ हीरो। फ्रेंड्स, अगर मुझे कहना हो एक महान टीचर बनना मेरी ख्वाहिश है, तो आप कहेंगे आई विश आई वर अ ग्रेट टीचर। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक अमीर इंसान होता, तो आप कहेंगे आई विश आई वर अ रिच मैन। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो मेरी आरजू है कि मैं एक खूबसूरत लड़का होता, तो आप कहेंगे आई विश आई वर हैंडसम बॉय। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो काश मैं एक चिड़िया होता, तो आप कहेंगे आई विश आई वर अ बर्ड। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो काश मैं एक शायर होता, तो आप कहेंगे आई विश आई वर अ पोएट। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो काश मैं एक क्रिकेटर होता, तो आप कहेंगे आई विश आई वर अ क्रिकेटर। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये बात समझ में आई कि जब आप अपनी आरजू, अपनी तमन्ना, अपनी चाहत को बताते हुए ये कहें कि काश मैं ये होता, तो आप आई विश आई वर के बाद उस वर्ड को बोलें जो आप कहना चाहें। फ्रेंड्स, कई बार इस तरह के सेंटेंसेस आई विश आई हैड से बोली जाती हैं, यानी वर के जगह हैड का यूज की जाती है। ऐसा तब किया जाता है जब आप ये ना कहें कि कोई चीज मैं होता, बल्कि आपको ये कहना हो कि कोई चीज मेरे पास होता। आप इन दो एग्जाम्पल्स को देखिए, इन दोनों में फर्क है। काश मैं एक डॉक्टर होता, तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई विश आई वर अ डॉक्टर, यानी या मैंने खुद को एक डॉक्टर होने की ख्वाहिश किया। लेकिन अगर मैं कहूँ काश मेरे पास एक डॉक्टर होता, तो इस सेंटेंस में मैंने ये नहीं कहा कि मैं एक डॉक्टर होता, बल्कि मैंने ये कहा कि काश मेरे पास कोई एक डॉक्टर होता, यानी मैं किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहा हूँ जो मेरे पास हो और वो एक डॉक्टर हो। तो फ्रेंड्स, जब आप रखने की बात करेंगे, तो आप वर के जगह हैड का यूज करेंगे। जैसे काश मेरे पास एक मर्सिडीज होती, आई विश आई हैड अ मर्सिडीज। काश मेरे पास एक औलाद होता, आई विश आई हैड अ सन। काश मेरे पास आपके जैसे दोस्त होते, आई विश आई हैड फ्रेंड्स लाइक यू। काश मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा होता, आई विश आई हैड लॉट्स ऑफ मनी। काश उसके पास मेरे लिए वक्त होता, आई विश शी हैड टाइम फॉर मी। काश मेरे पास एक खूबसूरत घर होता, आई विश आई हैड अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने सीखा कि जब आप कोई ख्वाहिश करें, कोई तमन्ना आरजू करें, और आप ये कहें कि काश मेरे पास कुछ होता, यानी कोई नाउन मेरे पास होता, तो आप आई विश आई हैड का यूज करेंगे। लेकिन अगर आपको कहना हो कि काश वो चीज मैं ही होता, तो आप आई विश आई वर का यूज करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि यह लेसन आपको शानदार तरीके से समझ में आई होगी। फ्रेंड्स, अगर यह लेसन आपको शानदार तरीके से समझ में आया, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी ख्वाहिश को कमेंट बॉक्स में लिखें, यानी आप मुझे बताएं कि आपकी तमन्ना क्या है, आपकी चाहत क्या है, आपकी आरजू क्या है, या आपकी ख्वाहिश क्या है। फिर मिलेंगे एक दिलचस्प लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।